हैप्पी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। 15 तारीख को एसएससी ने जो ग्रेड सी और ग्रेड डी स्टेनोग्राफर्स का स्किल टेस्ट लिया था, उस दिन बच्चों को बहुत सारी इनकन्वीनियंस हुई। वहां पर सेंटर्स पे बहुत मिसमैनेजमेंट था और इसके कारण बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आईं। उन्होंने ये सारी की सारी दिक्कतें एसएससी को बताई, अपना फीडबैक दिया, कंप्लेंट्स डाली और उसके बेसिस पर एसएससी ने इस टेस्ट को कैंसिल कर दिया और अब रीटेस्ट की डेट अभी दे विल नोटिफाई इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि बच्चों को एक्चुअली दिक्कतें क्या क्या आई और उसके लिए क्या रेमेडियल एक्शंस आगे रीटेस्ट में एसएससी को लेने चाहिए। उस दिन जो बच्चों का फीडबैक मिला, उसमें सबसे पहली दिक्कत उन्होंने बताई कि जो वहां पर साउंड सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। स्पीकर से आवाज ठीक नहीं आ रही थी, फटी फटी आवाज आ रही थी, कहीं पर हमिंग साउंड बहुत ज्यादा था और कहीं पर, क्योंकि वो शायद अनाउंसमेंट वाले स्पीकर ही उन्होंने चला दिए थे, तो कहीं कहीं पर तो उसमें आवाज बहुत कम आ जाती थी, कभी बहुत तेज आ जाती थी और उसको बच्चों को कंसंट्रेट करने में, डिक्टेशन लिखने में बहुत मुश्किल हुई। दूसरी जो प्रॉब्लम बच्चों ने बताई है वो डिक्टेटर का जो प्रोनंसिएशन है उसमें दिक्कत थी। रादर प्रोनंसिएशन से भी ज्यादा दिक्कत शायद जो डिक्टेट कर रहे थे उसमें रिकॉर्डिंग जब की गई तो रिकॉर्डिंग ऐसी थी कि कहीं पर उसकी आवाज तेज हो जाती थी और कहीं पर उसकी आवाज का पिच बहुत कम हो जाता था। स्पेशली जब फुल स्टॉप आता था उस टाइम कई बार वो वर्ड्स पता ही नहीं लगते थे कि वो क्या बोल रहे। उन्होंने पैसेज को शायद सीधा पढ़ दिया इंस्टेड ऑफ डिक्टेटिंग इट। उससे ऐसा लगता है कि शायद किसी ऐसे पर्सन को ये ड्यूटी दी गई रिकॉर्डिंग करने के लिए जो स्टेनोग्राफी में प्रोफेशनल पर्सन नहीं है, उसको स्टेनोग्राफी की डिक्टेशंस के बारे में शायद ज्यादा नहीं पता होगा। उन्होंने पैसेज को पढ़ दिया, जबकि यहां पर जब हम डिक्टेट करते हैं तो कहां पर फुल स्टॉप लगाना है, कहां उसका कितना पॉज देना है, कहां नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, सारी इंडिकेशन डिक्टेशन के स्टाइल से पता लग जाते हैं। डिक्टेशन का जो अगला प्रॉब्लम बच्चों ने बताया कि वो उसमें बहुत सारा फ्लक्चुएशन था। 80 की स्पीड पे जो डिक्टेशन होना चाहिए था वो शायद 90 और कहीं कहीं पर 100 भी टच किया। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होना तो बिल्कुल नॉर्मल है किसी भी डिक्टेशन में, लेकिन जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाए तो ये लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब प्रोनाउंसिएशन भी ठीक ना हो, स्पीकर भी ठीक ना हो, स्पीड भी ठीक ना हो, तो बच्चे टेस्ट देंगे कैसे। उस दिन क्योंकि बच्चे बार बार कंप्लेंट कर रहे थे ट्रायल पैसेज के टाइम पर कि आवाज ठीक नहीं आ रही है, तो उन्होंने बहुत सारे ट्रायल पैसेज चलाए। कई जगह पर तो ट्रायल पैसेज के बाद कब मेन पैसेज चलाया, बच्चों को बताया भी नहीं गया और मेन पैसेज चला दिया। किसी किसी जगह पर तो दो दो पैसेज दिए और उसके बाद शायद ये कह दिया गया कि आप जो भी पैसेज टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ये बता रहे थे कि वहां पर कोई डिसिप्लिन भी नहीं था, ये ड्यूटी शायद इनविजिलेटर्स की थी जो फेल हो गए। वो आपस में बच्चे कंपेयर करके भी कर रहे थे, शायद इतना क्योस था इनविजिलेटर्स को भी समझ में नहीं आया होगा क्या करना है। यहां पर तो कई कई साल से बच्चे तैयारी करते हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है और 10 मिनट का डिक्टेशन है जिसके लिए उनको फोकस, उनको कंसंट्रेट करना पड़ता है और जब इतनी सारी दिक्कतें आएंगी तो कंसंट्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं। मैं फरीदाबाद सेंटर पे था और वहां पर मैं देख रहा था कि बाहर से ट्रेन उसके बिल्कुल नजदीक से जाती हैं और बहुत जोर से वो ट्रेन की आवाज आती है जब भी ट्रेन जाती है, तो ऐसे टाइम पर भी बच्चों को डिक्टेशन लिखना वो इम्पॉसिबल हो जाता है, उनका ध्यान भटक जाता है, कंसंट्रेशन उनकी भंग हो जाती है, तो दे आर नॉट एबल टू राइट, दे आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट। एक सेकेंड भी कंसंट्रेशन अगर डिक्टेशन लिखते टाइम खराब हो गया तो फिर तो पूरा जो डिक्टेशन है वो खराब हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है। अब अगर ये फेवरेबल कंडीशंस उनको मिले तभी वो ठीक तरह से लिख पाएंगे। पैसेज का जो स्टैंडर्ड था
कुछ बैचेस में तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के पैसेज दिए गए थे, बच्चों को एग्जाम में इस स्टैंडर्ड के पैसेज पहले कभी नहीं दिए गए। पार्लियामेंट्री डिबेट से एसएससी ने जनरल पैसेज डिक्टेट करवा दिए, इस बार जनरल पैसेज सेलेक्ट किए थे डिक्टेट करने के लिए। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप पार्लियामेंट्री डिबेट दीजिए या जनरल पैसेज दीजिए या प्रेसिडेंट स्पीच दीजिए या कोई आर्टिकल दीजिए, एडिटोरियल दीजिए, बट जब भी आप पैटर्न चेंज करते हैं, आप हर एग्जाम के पहले ये बता देते हैं, अनाउंस करते हैं कि हम पैटर्न चेंज करने वाले हैं, चाहे वो सीजीएल की बात हो, चाहे सीएचएसएल की बात हो, चाहे एमटीएस की बात हो, आपने एग्जाम पैटर्न चेंज करा, एग्जाम के कंटेंट्स जो थे उसमें आने हैं, आपने जो पूछने हैं उसमें चेंज करा, तो आपने अनाउंस करा। जो ट्रेडिशनल हमारी स्टेंट ऑफिस के एग्जाम में पार्लियामेंट्री डिबेट्स आती थी, अगर आप चेंज करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको बच्चों को कम से कम इंडिकेट कर देना चाहिए कि हम अब से जनरल पैसेज भी डिक्टेट करेंगे। जो पैसेज का स्टैंडर्ड है वो भी एग्जाम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, क्योंकि अगर अनप्लेएबल बॉल आ जाएगी तो सचिन तेंदुलकर भी आउट हो जाएंगे। अनराइटेबल पैसेजेस, इतना डिफिकल्टी बढ़ा के जब पैसेजेस दिए जाते हैं तो बच्चे एग्जाम उस पैसेज में लिख ही नहीं पाएंगे, और ये जो एसएससी का एग्जाम लेने का पर्पज है वो खराब हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख जॉब, गवर्नमेंट जॉब देने का जो मिशन, एक मिशन मोड में सरकार को काम करने के लिए कहा है। अगर इस तरह के टेस्ट होंगे जिसमें बच्चे पास ही नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें इस तरह के टेस्ट दे दिए गए कि अनप्लेएबल बॉल्स फेंक दी गई, तो ये मिशन जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है ये कैसे सफल होगा, ये तो बात एसएससी को जरूर सोचनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल इजी पैसेज दे दीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन एवरेज पैसेज होना चाहिए। एक जो ट्रेडिशनल आप जिस तरह के पैसेज देते आ रहे हैं उस तरह के पैसेज होने चाहिए, कभी थोड़ा मुश्किल कभी थोड़ा आसान, ये तो चलता है। लेकिन अगर आप फिलॉसफी से पैसेज, फिजिक्स से पैसेज, कोई वॉलीबॉल के अचानक से कोई ऐसे दे देंगे जो कभी भी पहले डिक्टेट नहीं किए गए, और आप बताएंगे भी नहीं कि हम इस तरह के पैटर्न को चेंज करने वाले। हम बच्चों से सुनते हैं कि उस दिन उनको क्या क्या दिक्कतें आई, और फिर उसके बाद में क्या रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपका कौन से बैच में था पेपर? मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में था। फर्स्ट शिफ्ट में था, तो कैसा रहा एग्जाम? अच्छा नहीं हुआ, बहुत फ्लक्चुएशन थी वहाँ पे, साउंड क्लियर नहीं था बिल्कुल भी, पैसे जिन्होंने बिना बताए स्टार्ट कर दिया, मॉक टेस्ट दिया नहीं, कुछ भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं बताया, मॉक टेस्ट भी नहीं दिया। मॉक टेस्ट बहुत, मतलब पहले जो 80 वर्ड्स पर मिनट पे मॉक टेस्ट दिया उसमें आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं थी, बच्चों ने बताया कि वो ठीक नहीं है आवाज़, फिर दोबारा उन्होंने एक दो बार ट्राई करके गलत मॉक टेस्ट दिया, मतलब गलत इन द सेंस वो बोल रहा था कि 100 वर्ड्स पर मिनट पे मैं आपको मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, और ये उसके बाद मॉक टेस्ट भी नहीं दिया, बस उसने इतना ही बोला, एंड देन उसके बाद एक्चुअल पैसेज स्टार्ट कर दिया, और एक्चुअल पैसेज में बिल्कुल आवाज़ क्लियर नहीं थी, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अंदर अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक थे, बट जब मैं, जब हमारा स्किल स्टार्ट हुआ था तब वो बोल रहे थे, तो ट्रायल में उन्होंने 80 वर्ड पर मिनट से बोला था, लेकिन जब वो एक्चुअल डिक्टेशन दे रहे थे वो डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट पे थी, ऊपर से स्पीकर में आवाज़ बिल्कुल फटी आ रही थी और वर्ड बिल्कुल क्लियर नहीं थे, और वो बहुत फास्ट बोल रहे थे, और हमारा स्टेनो ग्रेड डी का था जो कि 80 वर्ड पर मिनट पे होता है, लेकिन वो 100 वर्ड पर मिनट से बोल रहे थे। उन्होंने जो एक्चुअल डिक्टेशन दी वो 100 वर्ड पर मिनट बोल दी थी, और उसके बाद बच्चों ने प्रोटेस्ट करा, बराबर वाली लैब ने प्रोटेस्ट करा। तो मतलब 80 वाला जो बैच था, ग्रेड डी का बैच था, उसमें 100 की डिक्टेशन बोल दी। हाँ जी, बड़ी डिस्टर्बेंस उनके स्पीकर थे, उनमें आवाज नहीं, 10 बारी उन्होंने ट्रायल बोला, उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि हाँ में लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ना हमें इंडिकेशन दी कि ट्रायल पैसेज है या कैसे है, खुद बोल रहे थे 20 सेकंड 15 सेकंड, बस ये सब बोला, उसके बाद भी मतलब ये कंफर्मेशन नहीं थी कि हमें जो हमारा पैसेज है वो शुरू करना है कि नहीं करना, और इनको खुद भी कंफर्म नहीं था कि 80 की बोलनी है। अच्छा, जो इन्विजिलेटर थे उनको ये भी नहीं पता था कि 80 का पैसेज देना है या 100 का देना, और वो उनको ये भी नहीं पता था, कोई रोक के जा रहा है आके कि हाँ चलो रुको मैं ठीक करवा रहा हूँ, जितनी बजिंग स्पीकर कर रहे थे मतलब आके बोल के जा रहे कि हाँ बंद करा रहे हैं रुक जाओ, फिर वो दोबारा से वापस दिखा भी नहीं कि क्यों बंद कराया था, उधर से बच्चे शोर कर रहे थे, डिस्टर्बेंस थी बीच बीच में, कभी कुछ आ रहा था कभी कुछ आ रहा था। कैसा रहा आपका पेपर? सर
पेपर तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो सबसे बड़ा इशू जो था वो सबसे पहले स्पीकर्स का था जो वहाँ पे इंस्टॉल थे, क्योंकि स्पीकर्स में क्लियर वॉइस नहीं आ रही थी। उसके बाद जो स्पीकर डिक्टेट कर रहा था उसके लिए भी इशू था कि उसकी प्रोनंसिएशन में दिक्कत थी। सबसे बड़ा इशू जो पैसेज का पैटर्न इन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा चेंज किया, क्योंकि हर बार जो डिबेट्स पार्लियामेंट्री डिबेट्स आती थी उनसे हट के बिल्कुल जनरल टॉपिक जैसे बर्ड्स वगैरह पे बताए। कैसा रहा आपका एग्जाम? सर एग्जाम वॉज फाइन, बट जैसे ही प्रिपरेशन थी उतना अच्छा, जितना अच्छा परफॉर्म करने का मन था उतना अच्छा होने लग रहे थे। जो सी ग्रेड सी का एग्जाम हुआ सुबह, उसमें द वॉइस वॉज नॉट वेरी क्लियर और बिल्कुल भी आवाज़ आ ही नहीं रही थी। मैं तो अपनी सीट से खड़ी हो गई टू से कि मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आई, तो आई हैड टू गो एंड सिट नियर द स्पीकर सेट। एंड नेक्स्ट पेपर में इतनी तेज थी कि सिर में दर्द हो गया था, तो वी हैड टू मॉड्यूलेट इट एंड वी गॉट 5 trials बिकॉज ऑफ दैट। 5 trial passages एंड फिर जाके वॉइस ठीक हुआ एंड लिखा गया, बट पैसेज अगेन वॉज वेरी वेरी अनफेमिलियर एंड वेरी नॉट एग्जैक्टली अप टू द पैटर्न विच वी प्रैक्टिस। चलिए आप मीठी चाय पी रहे हैं, उम्मीद करते हैं रिजल्ट आने के बाद में स्वीट्स भी खाएंगे। आज का जो आपका एग्जाम है कैसा रहा? जिस अकॉर्डिंग तैयारी करी थी, इतने महीनों की मेहनत थी, तो उसके अकॉर्डिंग इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। वी वर वेरी कॉन्फिडेंट वेन वी वर स्पीकर सही नहीं था, बहुत बिल्कुल भी क्लियर वॉइस नहीं थी। सी में तो इट वॉज ग्रेड सी का जो एग्जाम था सुबह, उसमें तो इट वॉज लाइक पहले तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, बहुत बच्चों को सीट चेंज करनी पड़ी। और डी में एक्स्ट्रा लाउड आवाज़ आ रही थी, तो उनको स्पीकर से दूर जाना पड़ा, ये अलग था। मोर ओवर द वर्ड्स वर नॉट इवन क्लियर, लाइक द स्पीकर सेड एंकरेज, किसी को समझ नहीं आया एंकरेज, उन्होंने 3 बार वर्ड यूज़ किया पैसेज में, तब जाके समझ आया। मोर ओवर द पैटर्न, आप इतने सालों से सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो और सडनली बिल्कुल ही अनफेमिलियर पैसेज ले आए, मतलब नॉट एट ऑल रिलेटेड टू कोर्ट्स पार्लियामेंट्री डिबेट्स नथिंग। सो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसी परफॉर्मेंस होगी, बट लेट्स होप कि रिजल्ट अच्छा आए। ओके, ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम कैसा रहा? सर एग्जाम तो ठीक रहा, लेकिन बहुत मिसमैनेजमेंट थी इस इंस्टीट्यूट में। अच्छा हाँ, जैसे सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? सर वही, अगर जैसे डिक्टेशन पहले तो ट्रायल काफ़ी बार चलाया गया। अच्छा। उसके बाद बैक टू बैक ट्रायल ही चलाए गए थे, फिर जब सी की स्टार्ट हुई, सी की तो हो गई थी, लेकिन थोड़ी वो क्या वो उसमें थी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी वो थी, बाकी डिक्टेशन ठीक थी। लेकिन जब डी का टाइम आया सर, तो डी के टाइम पे 2 डिक्टेशन चलाई। अच्छा। एक तो पूरी कर ली, और उसके बाद जब सेकंड डिक्टेशन जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो सर ने बोला वहाँ पर जो इन्विगेटर थे कि आपके ने जिसने फर्स्ट वन लिखी है तो लिख सक उसको टाइप कर सकते, नहीं तो सेकंड वन के लिए उस रूम में आ जाए। कैसा गया आपका एग्जाम? सर एग्जाम जो होप रखी हुई थी और जो उम्मीद थी उससे तो बहुत ही बेकार था। ग्रेड सी का हुआ था पहले, उसमें क्लैरिटी भी नहीं थी, प्रोनंसिएशन उनकी नहीं समझ आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि उनके सामने पेपर रखा हो और वो बस रीड कर रहे हैं, कहीं पोज नहीं लिया उन्होंने फुल स्टॉप के लिए, कुछ भी नहीं किया। बट हमें लगा कि हमारी वजह से, मतलब हमने कुछ नहीं सुना ढंग से, या फिर हमसे बाहर आ रहे थे, सबने ये बोला कि किसी से भी नहीं लिखा गया। जो मतलब डिक्टेशन थी वो डिक्टेशन के स्टाइल में नहीं बोली, ये वैसे पढ़ दिया गया। हाँ, ऐसा लग रहा था कि बस रीड किया, उनके सामने स्टोरी है। और स्पीकर्स की कुछ बच्चे प्रॉब्लम बता रहे थे, आपके रूम में भी क्या स्पीकर्स की कुछ प्रॉब्लम थी? आवाज़ ठीक आ रही थी? सी में तो मैं स्पीकर के पास ही बैठी थी, तो मुझे उस टाइम वॉल्यूम का नहीं लगा, बट ग्रेड डी में तो स्पीकर बहुत बेकार थे, वो डिक्टेशन के बीच में उसके वॉल्यूम अप डाउन कर रहे थे, कभी धीरे जा रही थी कभी अप जा रही थी, इक्वल वॉइस कभी भी नहीं थी। और पैसेज में क्या, जब डिक्टेशन आया तो क्या फ्लक्चुएशंस भी थी कोई? फ्लक्चुएशंस तो बहुत ज्यादा थी, 80 की स्पीड वाला 80 की स्पीड में नहीं था, 100 की स्पीड वाला 100 में नहीं था। और आपका एग्जाम? सर बहुत बुरा, बिकॉज डिक्टेशन, एक तो वॉइस में इतना प्रॉब्लम था, उनका म्यूजिक सिस्टम जो भी था बहुत ही बुरा था, और ऊपर से टाइप साउंड सिस्टम में क्या? हाँ, साउंड सिस्टम बहुत बेकार था, प्लस जो मतलब जो डिक्टेट कर रहा था, जो बहुत ही वियर्ड तरीके से डिक्टेट कर रहा था, जैसे मतलब ऐसे रीडिंग कर रहा था बस, बिना किसी फुल स्टॉप वगैरह का पता ही नहीं चल रहा था कुछ भी। एंड अबाउट दैट सर, कीबोर्ड्स बहुत बेकार थे, बहुत ज़्यादा बेकार थे, मतलब प्रेस ही नहीं हो रहा था ऑनेस्टली। मतलब मेरी 80 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड है, बट वहाँ पे 50 भी नहीं शायद आ रही है। तो टाइप तो मैंने कर लिया था, बट स्टिल पैसेज थोड़ा काफ़ी अजीब था। और हमारे यहाँ पहला फर्स्ट डिक्टेशन जो हुआ था वो तो मतलब उसको बंद करवा के फिर सेकेंड एक और लगवाया। सो बच्चों से जो फीडबैक मिला वो आपने सुन लिया, तो आई होप SSC विल टेक रेमेडियल मेजर्स। अब दोबारा जब भी रीटेस्ट होगा उस समय
सही से साउंड सिस्टम चेक कर लिया जाएगा पहले, ताकि बाद में इसकी दिक्कत ना आए। इन्विजिनेटर्स शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड कि उनको कितने ट्रायल पैसेज देने हैं। डिक्टेशन जब मेन डिक्टेशन शुरू करना है उससे पहले बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम मेन डिक्टेशन शुरू कर रहे हैं और आपको ये टाइप करना होगा। अगर बच्चे कंप्लेन करते हैं किसी वजह से कि प्रोनंसिएशन ठीक नहीं है या कोई भी और प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है, तो इन्विजिलेटर्स के पास जो बैकअप सीडी पिछली बार थी जिसमें शायद किसी दूसरे डिक्टेटर से पैसेज डिक्टेट करवाए गए थे, तो उस तरह का उनको पूरा पहले से ही बता दिया जाए कि आपको अगर ये आवाज ठीक नहीं बच्चों को लग रही है, उनको कंप्लेंट आ रही है, तो ये सीडी चला दें, या जो भी एसएससी का बैकअप प्लान होगा उसके बेसिस पे वो इन्विजिलेटर्स काम करें। ऐसा ना हो कि वो जिसके जिस हॉल में जिस इन्विजिलेटर का जो मन आ रहा है वो करता जाए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू ए प्लान, कोई जो प्लान बी एसएससी ने रखा होगा। तीसरी बात है कि जो डिक्टेशंस रिकॉर्ड करवाई जाएं वो किसी प्रोफेशनल पर्सन से रिकॉर्ड करवाई जाएं जो स्टेनोग्राफी जानता हो, जिसको पता हो कि डिक्टेशन कैसे देनी है। और हर साल ऐसा ही होता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई, पिछले सालों में बिल्कुल स्मूथली स्किल टेस्ट गया। तो जो पिछले सालों के डिक्टेटर्स थे, या तो उनसे या जो भी एसएससी का पैनल नया बना है उसमें ये देख लें कि कौन सा पर्सन है जिसको स्टेनोग्राफी की नॉलेज है, डिक्टेशन कैसे देते हैं ये पता है, तो उनसे ही डिक्टेशन रिकॉर्ड करवाई जाए। डिक्टेशन का जो प्रोनंसिएशन है, डिक्टेटर का जो प्रोनंसिएशन है, उसको ध्यान से सुन लिया जाए कि कुछ ऐसा डिफरेंट तो नहीं है, कोई बिल्कुल अलग तो नहीं है। ऐसा ना हो कि बच्चों को लिखते हुए फिर से दिक्कत आए। और सबसे बड़ी बात है, जो पैसेज का सिलेक्शन है वो आप कहीं से भी करें, लेकिन थोड़ा सा बता दें और उसका स्टैंडर्ड जो नॉर्मली हर साल होता है उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो आई होप ये सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, उन्होंने मिशन मोड में सरकार को जो काम करने के लिए कहा है, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का जो निर्देश उनका है, तभी उसकी पालना हो पाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, गुड लक।